हेलो दोस्तों स्वागत है मिस्टर ऑटोअप के एक फ्रेश वीडियो में तो मैं आज आपके लिए ले लेकर आ गया हूँ ह्यूडाई आइट एंड ग्रैंड न्यू का स्पोर्ट्स सी एन जी तो आज हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में विस्तार में तो शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ कार की कीज़ के साथ एंड इस कार में आपको कुछ फ्लिप की मिल जाती कुछ इस प्रकार की जिसमें लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कार की कुछ फ्रंट प्रोफाइल के साथ सामने की तरफ आपको इसमें बहुत ही ब्रॉड सी ब्लैकआउट में ग्रिल मिल जाएगी विद डीआरएल जो कि बुमर एंड शेप में मिलते हैं एंड हैलोजन बेस्ड हेड लैम्प्स मिलते हैं एंड टर्न इंडिकेटर्स नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर में मिल जाने वाले हैं फॉग लैम्प्स एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक का यूज़ किया गया है इसकी एक स्किट प्लेट के साथ जो कि कार को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है ओवरऑल कार की विथ 1680 सौ अस्सी की मिलती है एंड अगर साइड में आप इसके चेकआउट करेंगे तो आपको 3805 सौ पांच की इसमें लेंथ मिल जाने वाली है टायर सेक्शन को अगर चेकआउट करें तो आपको यहां पे मिलने वाला है एक सौ पैंसठ बाई सत्तर आर चौदह का एलोय व्हील्स में टायर एंड साथ में आपको डिस्क ब्रेक भी इसमें मिल जाएगी टर्न इंडिकेटर्स के साथ आपको ओ बॉडी कलर में ही मिल जाने वाले हैं कार का ओवरऑल व्हील बेस चौबीस सौ एमएम का इसमें मिलता है एंड बॉडी कलर में इसमें डोर हैंडल्स की प्लेसमेंट दी गई है चलिए चलते हैं पीछे की तरफ एंड आपको बताते हैं इसमें क्या कुछ खास मिलता है बैक लाइट को अगर आप चेकआउट करें तो इसमें आपको हेलोजन बेस में मिलती हैं एंड विद इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट एंड रिवर्स पार्किंग लाइट स्पोर्ट्स की यहाँ पे बैचिंग मिल जाएगी ह्यूदय की बड़ी सी बैचिंग एंड एस की ह्यूदय की बैचिंग भी आपको मिल जाती है ग्रैंड आइटन की बैचिंग एंड नियॉस की बैचिंग भी मिलती है रियर डिफॉगर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम सी एनजी की बैचिंग आपको पीछे की तरफ मिल जाती है नीचे की तरफ बंबर पे आपको दो रिफ्लेक्टर्स दिए जाते हैं एंड दिस कार कम्स विद टू रियर पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको मिलती है कार की ओवरऑल ग्राउंड क्लियर की बात करूँ तो 180 सौ की ग्राउंड क्लियर आपको मिल जाती है एंड शार्क फिन एंटीना भी आपको उसमें दिया गया है कार में रूफ पर एंड इस कार में रूफ रेल भी मिल जाती है जो कार की स्पोर्टिंगेस को और भी ज़्यादा इनहस करने का काम करती हैं ग्लोबल एन कैम्प में टू स्टार रेटेड कार ही आपको मिल जाती है सेफ्टी को देखते हुए दो फ्रंट ईयर बैग्स दिए गए हैं एंड साथ में ए बी एस इस कार में प्रोवाइड होता है कार के इंटीरियर में अगर एंटर करते हैं तो आप इसके चेकआउट कर सकते हैं जो कि फुल्ली ब्लैक एंड बीच के कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है डोर पैनल को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया है ऑल फोर पावर डू के कंट्रोल्स एंड ओ आरबी में इसके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलते हैं टोर ओपनर्स में आपको सैटन ग्रे कलर में मिल जाएगा नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट एंड स्पीकर की ग्रिल आपको मिल जाने वाली है कार की कुशनिंग के लिए इसमें फुल्ली आपको यूज़ किया गया है फैब्रिक का एंड ड्राइवर साइड आपको हाइट एडजस्टमेंट की साइड भी मिल जाती है कार के इंस्ट्रूमेंट कंसोल को आप देख सकते हैं जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल के साथ मिलता है स्टेयरिंग पे ही आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाने वाले हैं इंस टू आपके सारे इंफोमटेनमेंट के कंट्रोल्स एंड किसी भी तरीके के और एडजस्टमेंट के कंट्रोल नहीं मिलते हैं एम को कंट्रोल करने के लिए आप इसको यहाँ पे स्टिक का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको एम आई पे ही मिल जाने वाली है एनोलॉग में आपको स्पीडो मिल जाता है एंड आर मीटर भी अनोलॉग मिलता है साथ में नीचे एम की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको सी की भी इंडिकेशन मिलती है एंड पेट्रोल की भी इंडिकेशन मिल जाती है कार के स्टेयरिंग के राइट साइड में आप देखें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल टू सी एन स्विच करने का ऑप्शन मिल जाते हैं एंड हेडलाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन ए सी इवेंट्स आपको इसमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलेंगे सामने की तरफ आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि बहुत ही फ्लूड है अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इस कार के अंदर आपको फोन मैनुअल और वॉइस मेमो को भी ऑप्शन मिल जाते हैं रेडियो के ऑप्शन भी दिए गए हैं एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये कार आती है मैनुअल कंट्रोल्स भी आपको इसमें साइड में मिल जाएंगे ए सीवेंट्स आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो कि फुली ब्लैकआउट में देखने को मिलते हैं एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ इसमें ए भी आपको मिल जाने वाला है नीचे आपको यहां पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है एंड यूएसबी शॉकेट एंड बारह बोर्ड का यहाँ पे शॉकेट भी आपको दिया गया है गियर नॉब को आप देख सकते हैं थोड़ा सा फिनिश सिल्वर फिनिश के साथ आपको यहाँ गियर नॉब मिल जाता है थोड़ी सी कप होल्डर्स की जगह एंड यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक भी मिल जाएगी किसी भी तरीके का आमरेस इस कार के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है सामने की तरफ आप थोड़ी सी स्पेस को देख सकते हैं एंड नीचे आप देखते हैं इस ग्लव बॉक्स को तो वो किसी भी तरीके से कूल्ड एंड लाइटिंग का ऑप्शन के साथ इसमें नहीं दिया गया है डिसेंट साइज की स्पेस आपको इसमें मिल जाने वाली है थोड़ा सा डिजाइनिंग दी गई है एंड आई आर वी एम इसमें आपको मैनुअल एडजस्टेबल के साथ मिलते हैं ड्राइवर साइड सनशेड आपको टिकट होल्डर के साथ मिल जाने वाले हैं ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे माइक के प्लेसमेंट एंड किसी भी तरीके से कैबिन लैम्प एंड सनग्लास होल्डर नहीं मिलते हैं को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर में ही मिल जाता है एंड इसमें डोर हैंडल ग्रैब हैंडल्स आपको सॉलिड मिलने वाले हैं किसी भी तरीके की सॉफ्ट टच नहीं प्रोवाइड किया गया कार के ओवरऑल लुक को आप देख सकते हैं जो कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है चलिए चलते हैं कुछ इसके बैक प्रोफाइल में एंड बात करते हैं क्या कुछ खास इसके अंदर आपको मिल जाएगा पीछे तो सबसे पहले आप इसके डोर ट्रिम को देख सकते हैं जो कि बेच एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़े से आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है डिजाइनिंग की एंड पावर विंडो के कंट्रोल नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल एंड बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट एडजस्टेबल हेड्रेट्स इस कार के अंदर आपको नहीं मिलते हैं बैक प्रोफाइल में कार की बैक सीट इसमें बेंच फोल्ड के साथ मिलती है रियर पैसेंजर्स का भी कंफर्ट का ख्याल रखा गया है एंड रियर एसी वेंट्स भी आपको दिए गए हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 12 बोर्ड का शॉकेट मिल जाता है सेंटर में आपको यहां पे कैबिन लैम्प दे दिया गया है अगर ये सामने की तरफ होता हो तो शायद मोर कन्वीनियंट लगता आपको सामने का फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं कार का ग्रैंड आइटन की चलिए बात करते हैं कुछ इसके बैक प्रोफाइल के बारे में एंड देखते हैं कि खास इसके अंदर बूट स्पेस आपको मिलती है रिवर्स पार्किंग कैमरा ह्यूंद की बैचिंग के नीचे आपको मिलता है उसी के नीचे नीओ की बैचिंग बूट इस स्पेस आपको इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है सी टैंक होने के बाद भी ऊपर की तरफ आपको इसमें पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी एंड टोटल दस किलो का इसमें सी एन जी टैंक आपको मिलता है एंड उसी के नीचे यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि स्टील रिम टायर रहने वाला है वही चौदह इंच का आपको इसमें टायर मिलने वाला है सी एन जी टैंक होने की वजह से बूट स्पेस काफ़ी हद तक इसमें घट जाता है अगर आपको बूट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो आप सी एन जी और सी एन जी की तरफ भी एक बार देख सकते हैं ये हैचबैक कैटेगरी की कार है जो आपको ज़्यादा स्पेस तो ऑफर नहीं करती बट एक रोड प्रेजेंस इस कार का भी रहता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आप यहीं से फ्यूल को एंड गैस को भी फिल करवा सकते हैं इसके सी टैंक के साथ इस कार में आपको ट्वेंटी एट के एम तक का माइलेज मिल सकता है चलिए बात करते हैं कुछ इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको मिलने वाला है बारह सौ का फोर सिलेंडर इंजन 1.2 पॉइंट टू का पा बाय फ्यूल सी एन जी वेरियंट ऊपर की तरफ किसी भी तरीके की इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई है टोटल 68 बीएचपी की पावर एंड 95 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये कार दिस कार कंपीट्स विद द टियागो सीएनजी एंड वेगन आर सीएनजी कुछ बात की जाए इसके कलर ऑप्शंस के बारे में तो सबसे पहले फेरी रेड टाइटन ग्रे एक्वा टील पोलर वाइट कलर में आपको मिल जाने वाली यह वेरिएंट आप जो देख रहे हैं यह एक्वा कलर है अगर बात करूं मैं कुछ इसकी प्राइसिंग के बारे में तो ये कार आपको लखनऊ में ऑन रोड पर जाने वाली है एट लैख एटी फाइव थाउजेंड में कार के अच्छे प्राइस को पाने के लिए एंड ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप अभी विजिट कर सकते हैं तेलीबाग एस एस हिंदई में तो ये था रिव्यू आई टैन ग्रैंड न्यू ऑर्स के सी एन जी को लेकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें थैंक यू वीडियो देखने के